हे गाइस, वेलकम टू टुडेज एपिसोड ऑफ मैथ बूस्टर। आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट केस जो आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री थ्री सिक्स। मैंने इसके थंबनेल में लिखा है कैन यू सॉल्व दिस लेस देन 10 सेकेंड। इसका मतलब आप इसके 10 सेकेंड लेस देन 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। आपको लग रहा होगा ये क्या मजाक कर रहा है, आज मैं कोई मजाक करने वाला नहीं हूं। आज हम बात करेंगे कैसे इसे सच में 10 सेकंड में सॉल्व करें। सबसे पहले इसके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्या, अगर आपको इक्वेशन कोई गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका लास्ट का टर्म बहुत ही बड़ा है, तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं लेस देन 10 सेकंड, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा क्या ये जो रूट है आपका, ये जो रूट है 5x, सॉरी ये जो कांस्टेंट 5x का ये कोफिशिएंट है 5, क्या ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है। सबसे पहले चेक करना पड़ेगा ये ऑड नंबर है। ये केस तभी इंप्लाई होगा जब x का कोफिशिएंट कोई ऑड नंबर है। फिर से सुनिए, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री थ्री सिक्स का आपको निकालना है रूट, स्क्वायर रूट, सॉरी इसके निकालने हैं आपको वैल्यूज, एक्स की वैल्यू, दो रूट निकालना है एक्स के, तो एक्स का रूट क्या होगा। उसके पहले आपको देखना पड़ेगा अगर इसका सॉल्यूशन आप विदिन 10 सेकंड चाहते हैं, तो पहले आपको श्योर होना पड़ेगा कि एक्स का कोफिशिएंट क्या एक ऑड नंबर है, हाँ या ना। हाँ जी, यहाँ पे ऑड नंबर है। अगर इवन रहेगा तो ये ट्रिक इंप्लाई नहीं करेगा, यहाँ पे क्या है ऑड नंबर। भाई ये ट्रिक, ये है ऑड नंबर। ऑड नंबर जब भी कभी ये ऑड नंबर रहेगा, सीधे आपका करेंगे इस डायरेक्ट इस कांस्टेंट में 2 की मैक्सिमम पावर से डिवाइड देंगे, जिससे ये कट रहा होगा। जैसे कि 2 की मैक्सिमम पावर मैं बोलूं 2 से डिवाइड हो जाए, हाँ 2 से कर दो, 2 की पावर 2 यानी 4 से डिवाइड हो जाए 4 से कर दो, 2 की पावर 3 यानी 8 से डिवाइड हो जाए 8 से कर दो, 2 की पावर 4 यानी 16 से हो जाए 16 से कर दो, 2 की पावर 5 यानी 32 से हो जाए 32 से कर दो, 2 की पावर 6 64 से हो जाए 64 से, यानी 2 की मैक्सिमम पावर से डिवाइड होकर देना, तब तक डिवाइड करना है जब तक कि ये सारे टूज इसके निकलना जाए, सारा 2 इसका निकाल दे, ठीक है। जैसे कि मुझे ये दिख रहा है 336, ये जो नंबर है ये लास्ट में इसके 36 है, ये 4 से डिविजिबल। क्यों? अगर लास्ट का 2 नंबर 4 से डिविजिबल रहता है तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होता है। वैसे ये नंबर 8 से भी डिविजिबल है, लेकिन हम एक बात करते हैं नॉर्मल से स्टूडेंट की जो जैसे सोचेगा, तो एक नॉर्मल सा बच्चा देखेगा कि यहाँ 36 है यानी ये 4 से डिविजिबल है, 4 से डिवाइड करो। जब आप इसे 4 से डिवाइड करिएगा, इस साइड आ जाएगा 4 और इस साइड आ जाएगा 84, यानी ये 4 गया 84 टाइम्स, ये भी 4 से डिविजिबल है, कर दीजिए ये 4 और ये कितना 21। That means, इसके हम सारे 2 निकाले, इसको हम देखें ठीक से, तो ये आ गया, मैं फिर से इसको देख दूं, तो ये आ गया 4 × 4 और 21। हम क्या किए, 2 की मैक्सिमम पावर से डिवाइड कर दिए, तो आ गया 4 × 4 और 21। ये 4 × 4 को एक जगह कर लीजिए, सारे 2 की पावर को एक जगह और बाकी वाले को छोड़ दीजिए, कितना आ गया 21। ये हो गया 16 और ये हो गया 21, यही आपका रूट है। अब देखेंगे यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, तो एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव। पॉजिटिव कौन वाला, बड़ा वाला पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव, यानी इसका एक रूट माइनस 16 और दूसरा प्लस 21। क्या करें, 2 की मैक्सिमम पावर से डिवाइड करें। अगर आप कैलकुलेशन में काफी स्मार्ट है, अगर स्मार्टर भी आप, आपको पता है ये 8 से डिविजिबल है, तो आप डायरेक्ट इसे 8 से डिवाइड कर देते, तो डायरेक्ट इसे 8 से डिवाइड कर देते तो आपका आता 42, फिर 2 से करते तो आपका आ जाता 21, तो 21 और 8 × 2 यानी 16, 2 की पावर को एकदम सीधे साइड कर देना, 2 की पावर को साइड कर दी यानी 4 × 4 हो गया 16, 2 की पावर 4 को साइड कर दी, बाकी बचा कितना 21, तो आपका 2 रूट हो गया 21 और 16, 21 में से 16 घटाइए कितना आ गया 5 आ गया, या फिर आप 16 में से 21 घटाया मैंने माइनस 5 लाना, वो कोई वो दिक्कत नहीं, 21 और 16 यही दोनों आपका रूट हो जाएगा, दोनों रूट बन रहा है, बात खत्म। कितना भी बड़ा नंबर यहाँ पे आ जाए आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे छोटा नंबर लिया, छोटा सा लिया, इसे बहुत बड़ा नंबर लेके देखते हैं ट्रिक इंप्लाई होता है। a के x स्क्वायर इनटू 2 माइनस 239 x माइनस 972, ये जो नंबर है वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है, ये एक ऑड नंबर या इवन है, हाँ जी ये एक ऑड नंबर है। जब यहाँ पे आपका ये ऑड नंबर है तो हम क्या करते हैं,
दो की मैक्सिमम पावर से इसको डिवाइड कर देते हैं। अब देखेंगे 972 4 से डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि 72, 72 लास्ट का टू डिजिट 4 से डिविजिबल, तो सारा नंबर 4 से डिविजिबल। ये सारा नंबर 4 से डिविजिबल जब आपका आ गया तो आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करा कितने टाइम्स में गया, टू, टू फोर, फोर फोर टू सा एट, वन आएगा 17, उसके बाद हम अप्रोच करेंगे 7, उसके बाद आया क्या हो गया 3, 2 4 3 और 4, ये आपका दो रूट आ गया, यही दोनों रूट है। ये क्या 4 से अब 2 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। तो आपका दो रूट आ गया सीधे सीधे, क्या 4 और 2 4 3, 2 की मैक्सिमम पावर से डिवाइड कर देना आपका आंसर आ जाएगा। तो एक रूट तो आपका आ गया 4, दूसरा रूट आ गया 2 4 3 आ गया। अब देखते हैं क्या होगा कौन सा। यहां पे आप देखिए, यहां नेगेटिव और यहां भी नेगेटिव, जब कभी दोनों नेगेटिव होगा तो दोनों रूट क्या होगा, एक रूट पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, बड़ा वाला पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव। तो बड़ा कौन है 2 3 7, ये पॉजिटिव, और छोटा कौन है 4 यानी -4, दो रूट आएगा 2 4 3 और -4, ये आपका आंसर हो गया। क्या मैंने किया यहाँ पे और देखा, मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम आती है ये दोनों रूट फाइंड करने में, ये वाला ट्रिक सबको पता होता है, माइनस वाला, माइनस प्लस, प्लस माइनस, सबको पता होता है। तो आप देखेंगे 4 2 4 3 दोनों को मैंने अलग अलग किया, यहां पे जब भी कभी ऑड आ जाए इससे डिवाइड कर दो, 2 की मैक्सिमम पावर से डिवाइड कर दो। मैंने देखा कि 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 से कर दिया, अगर 8 से होता तो 8 से करते, जैसे 4 से किया फिर यहां पे कोई इवन नंबर आता, फिर 2 से करते, फिर 2 से करते, जब तक करते जाते जब तक आपका वो नंबर सारा कन्वर्ट ना हो जाए। लेकिन ये करना काफी आसान है, काफी आप आराम से देख सकते हैं कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं। 4 से डिविजिबल इसी देखते का, 4 इधर किया, 2 4 3 इधर कर दिया, काम आपका हो गया। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि आपका आंसर आप काफी इजी तरीके से 2 4 3 और 4 आप ले आए हैं। तो एक एक आ गया आंसर -4, दूसरा आ गया +2 4 3। अब आप देखो इसको आप कितनी जल्दी कर पाए, अगर आप दूसरा वे लगाते तो यार नहीं कर पाते। तो आप देख सकते हैं इसको हमने लेस देन 10 सेकंड में कर लिया। अब मेरे को आप बताओ कि अभी आपको कैसा भी इक्वेशन मिलेगा जो यहाँ पे ऑड रहेगा तो आप नहीं बना सकते क्या? आराम से बना सकते हो। एसबीआई जो आपका एग्जाम आ रहा है कुछ इसी पैटर्न पे, कुछ नया वे में आएगा और उन सब में काफी पूछे जाते हैं। और आप देखोगे कि हमेशा यहाँ का वैल्यू ऑड ही रहता है ज्यादातर क्वेश्चन में, बहुत ही कम क्वेश्चन में इवन देगा, ऑड ही रहेगा यहाँ पे। ओके, तो आप अपनी यही वे लगाएंगे और सीधे इसको टिक करके आएंगे। ओके, अब आप मेरे कमेंट में बताओ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको और वीडियो चाहिए देन प्लीज कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।